गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, बिफोर यस्टरडे व्हाट डिड वी स्टडी? अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे, हो गया था? यस मैम, कंप्लीट हो गया था। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, है ना? इम्पॉर्टेंट है ये, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। अच्छा, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अगर हम डेमोक्रेसी को देखें, मेन पॉइंट डेमोक्रेसी, व्हाट इज, मतलब डेमोक्रेसी में होता क्या है, तो आइडिया ऑफ कंसेंट, कि आप सहमत हैं, यानी आप एग्री करते हैं, यानी आप, ठीक है, एक तो बीच बीच में, ठीक, कंसेंट मतलब सहमति, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। दूसरा था डिजायर, कि डिजायर मतलब आप जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप इलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी एस्पिरेशन को, आपके डिजायर्स को, आपके डिमांड को फुलफिल कर रहा है। फुलफिल कैसे करेगा? कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपकी डिमांड को, आपकी एस्पिरेशन को कैसे फुलफिल करता है, कोई बता सकता है? भाई हमने किसी को चुन लिया, ठीक है, लोकसभा के मेंबर के लिए, हमारी डिमांड को पूरी करना, नहीं तो कैसे करेगा रिप्रेजेंटेटिव, कैसे करेगा? बाय मेकिंग पॉलिसीज, बाय मेकिंग लॉज, क्लियर? ऐसे लॉज बना के, ऐसी पॉलिसी बना के जो हम सब सिटीजंस के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, ऐसे करेगा। तो इसमें अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जरूरी है डेमोक्रेसी की। अगर हम टेक ऑफ पॉइंट अगर हम डेमोक्रेसी के लिए देखें, तो उसमें आइडिया ऑफ कंसेंट है, एग्री मतलब आपकी, हाँ। दूसरा डिजायर्स, डिजायर्स मतलब एस्पिरेशन, आपकी डिमांड्स। तीसरा अप्रूवल, कि आप कितना अप्रूव कर रहे हो। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोग कर पा रहे हैं नहीं पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेशन होगा तभी तो फेयर होगा सब कुछ। भाई 5 साल के लिए होता है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन होता है 5 साल के लिए होता है। 5 साल में अगर वो आपके डिमांड्स को, आपके आपके लिए अकाउंटेबल नहीं होता, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो आप क्या करोगे उनको नेक्स्ट टाइम? वोटिंग, हाँ, हटा दोगे, वोट ही नहीं दोगे, ठीक है? तो इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ये लोग ही तो है, पीपल्स ही तो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है, और डिसाइड करते हैं उनकी फंक्शनिंग के बारे में। अगर मेल फंक्शनिंग है तो हम उनको वोट नहीं करेंगे अगली बार से, है ना? फंक्शन अच्छे से, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है, मेल फंक्शनिंग है, तो वी विल नॉट गिव वोट ऑफ देम, उनको हम बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। आप तो नहीं दे सकते, जब आप 18 इयर्स अबव हो जाओगे तब दे पाओगे, मतलब मैं और मेरे जितने जितने भी जो सिटीजन्स हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? पीपल डिसाइड्स कि डेमोक्रेटिक, हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स going to form and its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of these citizens. जो basic idea है ना, basic idea इस तरह की democracy, democracy बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में, सबसे अच्छी सरकार है। बाकी आपको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपको बताई दिया था किस तरह की होती हैं, लोग अलग अलग, जिसमें खुद मनमानी करें, जिसमें किसी की ना सुने, लेकिन डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, हर इंडिविजुअल मतलब हर सिटीजन, ईच सिटीजन, इंडिविजुअल का मतलब है हर एक सिटीजन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है इस डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और कैसे होता है इंपॉर्टेंट, कैसे होता है बताइए भाई, मैं इंपॉर्टेंट क्यों हूं? मैं वोट दे रहे हो इसलिए। हाँ,
वोटिंग राइट है मेरे पास, मेरे पास अधिकार है कि मैं किसको वोट दूं किसको नहीं दूं, मेरे पास अधिकार है कि डिसीजन अगर मेरे बिहाफ पे कोई नहीं ले रहा तो मैं उसको चेंज कर दूं, तो मैं इंपॉर्टेंट हो गई ना। यस मैम। मैं क्या सभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? मैं अपनी बारे में बात नहीं कर रही, इंडिविजुअल, ईच पर्सन, एवरी पर्सन। तो जो ऐसे सिटीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, एंड इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल पे भी और दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे ट्रस्ट की जरूरत है, ऐसे विश्वास की जरूरत है। किसके विश्वास की? सिटीजन्स के विश्वास की। ठीक है, जब तक सिटीजन्स का विश्वास नहीं होगा तब तक की स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगा, काम ढंग से नहीं होगा, उनके विश्वास की जरूरत पड़ती है। तो हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? कैसे इंडिविजुअल गवर्नमेंट को अप्रूवल देती है ना? हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन, एवरी सिटीजन। वन वे ऑफ डूइंग सो, एक तरीका ऐसा करने का, एज यू रेड, आप पढ़ चुके हो ये, इज थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू अप्रूवल आप कैसे दोगे? आप ऐसे तो नहीं लिख के दोगे कि हाँ मैंने अप्रूव कर दिया, आप कैसे दोगे? इलेक्शन के थ्रू। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप इलेक्शन के थ्रू इनको क्या करोगे? अप्रूवल दोगे। लोग चुनेंगे अपने इलेक्टेड, अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट के लिए। उसके बाद ये जो ग्रुप है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, जिसमें ज़्यादा मेजोरिटी जिसकी हुई, वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, सरकार बनाएंगे। ठीक है, आप किसके लिए चुनते हो? पार्लियामेंट के लिए चुनते हो। पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी में जाता है वो क्या करता है? अपने ही मेजोरिटी की गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, अपनी पार्टी की। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है वो जो कि सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलके बनी हुई है ना, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलके जो बनी हुई है। ये साथ साथ क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और यही सिटीजन्स क्या करते हैं? उन पर कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं, इनडायरेक्टली। 5 साल का मौका दे रहे हैं हम तुम्हें, 5 साल बाद अगर आपने हमारे फेवर में नहीं किया तो 5 साल बाद। अब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, पहले अपने स्टेट में कौन थी? वसुंधरा राजे थी उनकी, यस मैम। है ना। अब अशोक गहलोत हैं, अगर अशोक गहलोत को अगर जज करें 5 साल में तो फिर चेंज हो सकता है। तो ये किसके हाथ में? सिटीजन्स के हाथ में, वोटर्स के हाथ में, हर इंडिविजुअल के हाथ में। सो द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 एंड 7। आपने 6 7 में शायद पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा है कभी कि रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? हैव यू एवर रेड? पढ़ते तो हो आप। अब मैंने भी पढ़ा है, ये आपको कितना आपके दिमाग में रहता है, ये दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा, ये आपके, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं 7th में भी बोलती हूँ कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये आपकी आगे तक गई हैं, 11th 12th तक। और 11th 12th क्यों? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप ये छोटी छोटी सी बेसिक्स क्लियर हैं, ये चीज़ें अगर पता है आपको तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, है ना। इसमें बताया कि यू आर फैमिलियर विथ हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन। आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज किए जाते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये आपको 7th में पढ़ चुके हो आप। लेट अस रिकॉल दीज आइडियाज। अब इन्हीं आइडियाज को हम एक्सरसाइज के द्वारा रिकॉल करने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज विल डिस्कस आफ्टर द कंप्लीटिंग चैप्टर। ये क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, हाँ, वेरी गुड। अब हम पढ़ रहे हैं कि रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है ना। ये 1947 के बाद क्रिएट हुई है। देखो ये, आप देखो इसमें
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद दिख रहा है फर्स्ट, यस मैम। मम्मी दिल्ली में ना? हाँ दिल्ली में। ये संसद भवन है, ठीक है? ये देखो, ये क्या करता है संसद भवन? ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी है, इसको संसद भी कहा जाता है। ये लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे लॉज बनते हैं, है ना? जहाँ पे लॉ बनते हैं। इट हैज टू हाउसेस। अब इसमें देखो, क्लियर? बहुत अच्छे से समझ गया ना बेटा? इसमें टू हाउसेस होते हैं, फर्स्ट लोकसभा, सेकंड मैम राज्यसभा। हाँ राज्यसभा। राज्यसभा अब इनको क्या बोलते हैं? लोकसभा को लोअर 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 हाउस, हाउस हाउस है ना, और इसको अपर हाउस। अपर हाउस। अभी ये बहुत सारे बच्चों को इवन 10th 12th में भी ये भी क्लियर नहीं होता कि लोअर हाउस और अपर हाउस क्या है। ये तो एटलीस्ट, और इसका ये तो हो गया इसके टू हाउसेस, ठीक है? अब इसकी कंपोजिशन, अगर ये पार्लियामेंट बनती है तो किससे बनती है, ठीक है? तो ये मैं मिटा के इस सेकेंड नंबर पे, थर्ड फर्स्ट पे आते हैं प्रेसिडेंट। समझ में आ गया बेटा कंपोजिशन कैसे बनता है? फर्स्ट प्रेसिडेंट होता है, इसमें हेड, नॉमिनल हेड जो होते हैं, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। ये समझ आ गया कंपोजिशन? यस मैम। यस हाँ मैम। याद रखना फिर, ठीक है? अब सेकंड जो अपन देख रहे हैं वो है राज्यसभा। ओके। ये सेकंड ये जो दिख रहा है ना आपको, ये राज्यसभा है। मैं इसलिए इसमें टाइम ले रही हूँ क्योंकि ये पता नहीं होता बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है ना? मैम विधानसभा को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा अभी नहीं आ रही है, अभी विधान परिषद, विधानसभा की मैं अलग बात करूंगी। अभी ये नेशनल लेवल पे जो आपको समझना है वो समझ लो, ठीक है? वो अपन डिस्कस करेंगे, चैप्टर में है आपके, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी क्या होती है क्या नहीं होती। अभी जो मैं समझा रही हूँ बेटा, उसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो मैम। नो मैम। ये क्या है? राज्यसभा मैम। है ना? ये दिख रहा है आपको? यस मैम। राज्यसभा। इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 245। 245। हाँ 245 होते हैं। इसके इनको चेयर जो करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ना, चेयर पर्सन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, ये कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। टोटल मेंबर राज्यसभा में कितने? वैसे 250 होते हैं, प्रेजेंटली 245 है ना? 245 मेंबर। अब राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं पता है कभी? कौन करता है इनको इलेक्ट बताओ? नो मैम। है? मैम प्रेसिडेंट का नहीं, प्रेसिडेंट कुछ एक मेंबर, प्रेसिडेंट नहीं चुनता। मैम वाइस प्रेसिडेंट। नहीं बेटा, ये चेयर करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो हमने लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया है वो इन राज्यसभा को मेंबर्स को पीआर सिस्टम के थ्रू चुनता है, ठीक है? प्रेसिडेंट नहीं होता। प्रेसिडेंट को है कुछ परसेंट, मैं बताऊंगी वो, क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब है ये जो क्या है, ये क्या है? लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। लोकसभा में जो टोटल मेंबर है वो 545 होते हैं, 545। वैसे तो ज्यादा होता है लेकिन प्रेजेंटली आप कह सकते हो, प्रेजेंटली फाइव फोर्टी फाइव है, 552 करीब होते हैं। दो एंग्लो इंडियन को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है, ठीक है?
इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये आपको याद रखना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, वो होता है स्पीकर। कभी आपने देखा हो पार्लियामेंट, देखा है एक बड़ी सी चेयर पे ऊपर की तरफ बैठे रहते हैं, है ना, वो कौन होता है, वो स्पीकर होते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, स्टूडेंट्स हो गया क्लियर? यस मैम। हाँ यस मैम। हम पढ़ रहे थे रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का क्या रोल है ना, ये कब बना है, 1947, क्रिएटेड आफ्टर 1947 के बाद। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इंडियन पार्लियामेंट क्या है, वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें लोगों का फेथ जुड़ा हुआ है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, लोगों लोग ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट किस बेसिस पे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बेसिस पे, समझ गए, डेमोक्रेसी के बेसिस पे पार्लियामेंट पे ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, कौन, पीपल्स। These are participation by people in the decision making process and government by consent. ये जो लोग participate करते हैं, लोगों के द्वारा जो participation होता है वो किस में होता है, decision making process में होता है। भाई जो हमने जिनको elect किया है वो किसके behalf पे decision लेते हैं, people's के behalf पे, citizens के behalf पे decisions लेते हैं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फिर और उसमें गवर्नमेंट भी उनकी उन्हीं की कंसेंट चलती है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट जो है हमारे सिस्टम में, जो पार्लियामेंट है ठीक है, वो इमेंस पावर्स हैं, उसके पास कौन है, ये वंशिका, मैम वंशिका, मैम वो गलती से हो गया था। तो तुम ये पढ़ रही हो या तुम ऐसे सॉन्ग, मैं नहीं गा रहा, तो कौन गा रहा है, मैम मेरे पास मेरी बहन बैठी है, आप उसको मना करो पढ़ने के टाइम कोई है ना, इस चीज पे ये चेक रखो ना बेटा आप, मैं इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूँ और आप बीच बीच में डिस्टर्बेंस, आप मत आइए क्लास में, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बीच बीच में ये सब चीजें कंट्रोल रखो, चेक रखो। मैम छोटी है, उसने गलती से कर दिया, ये इतना छोटा बच्चा इतना प्रॉपर तो नहीं गा सकता। मैम ये वंशिका की आवाज है और ये गलती थी, मैम मैंने नहीं गाया, तेरे को जाना था। एक मिनट वंशिका, ये मैं पता कर लूंगी तुम्हारे घर पे फोन करके। यस मैम। अगर क्लास में आ रहे हो तो पढ़ने आओ, अदरवाइज आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं रिमूव करूं उससे पहले आप ही हट जाना। वंशिका मतलब ये बहुत बैड मैनर्स है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, और ये रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हें पता है। सॉरी मैम। हाँ जो हमारे सिस्टम में जो पार्लियामेंट है उसके पास इमेंस पावर होती है, सबसे ज्यादा पावर होती है, बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये रिप्रेजेंटेटिव कौन किसके होते हैं, पीपल्स के, सिटीजंस के। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है और जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन है वो सेम मैनर में होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। द लोकसभा इज यूजली इलेक्टेड वंस एवरी फाइव ईयर्स। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं एवरी फाइव ईयर्स में होते हैं, हर पाँच साल बाद इलेक्शन होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41 में, देखेंगे अभी हम बाद में। जो कंट्री है उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग मतलब क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया क्या वास्ट कंट्री है, अब उसमें एक जना तो खड़ा नहीं होगा, इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको डिवाइड करते हैं, डिविजन हो जाता है ना, न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाती है। एंड ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट वन रिप, और हर कॉन्स्टिट्यूशन से एक पर्सन इलेक्ट होता है पार्लियामेंट के लिए, है ना।
The candidate who contest election usually belong to different political parties. जो कैंडिडेट होते हैं वो डिफरेंट जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. मतलब मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक. अब यहाँ से कि कोई भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हो सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई. अब इनमें से कौन इलेक्ट होगा? इनमें से केवल एक एक इलेक्ट होगा. समझ आ गया? केवल इनमें से वन इलेक्ट होगा, चाहे वो ए पार्टी का हो, चाहे वो बी पार्टी का हो, चाहे वो सी पार्टी का. और ये कैसे इलेक्ट होगा? जैसे मुझे ज्यादा वोट मिले होंगे. हाँ मैम, कितने वोट मिले होंगे? मेजोरिटी ऑफ वोट से, मेजोरिटी ऑफ वोट से. कि भाई कौन विनर है, ठीक है, ये समझ आ गया? डिफरेंट अब पूरे इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट छोटी 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 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें से इतनी मतलब जैसे 545 है या 540 है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. इसमें से एक 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 इलेक्ट होता है. फिर ये क्या फॉर्म करते हैं? पार्लियामेंट बनता है, फिर पार्लियामेंट फॉर्म होता है. क्लियर हो गई? यस मैम. यस मैम. अब ये कल अपन पढ़ेंगे कि जैसे इस टेबल से आप देख सकते हो 17th जो लोकसभा इलेक्शन था उसके रिजल्ट्स जो थे, भारतीय जनता पार्टी को 545 में से कितनी सीट मिली थी? 303. इंडियन हाँ, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? बीजेपी. बीजेपी को. बीजेपी. सरकार किसकी बनी? बीजेपी. बीजेपी. समझ आ गया? अब समझ आ गया, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसी की सरकार बनेगी, ठीक है. अब जैसे डिफरेंट नेशनल पार्टीज देखो, कितनी अलग अलग पार्टीज हैं, कितने लोग हैं, किसी किसी को एक 543 में से दो तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, 543 में से 303 तो बीजेपी को ही मिल गए थे, इसलिए उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. नेक्स्ट है, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल तो मैं क्लियर कर दूंगी और चीजें. अब आपको कोई क्वेरीज है? नो मैम. नहीं मैम. ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय मैम. बाय बेटा. बाय मैम.